गेहूं के एक एक दाने के निर्विघ्न खरीद के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रवि मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान किसानों का एक एक दाना खरीदने संबंधी राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री ने खरीद की स्थिति का जायजा लेने के उपरांत बताया कि इस साल 35.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गेहूं की कृषि अधीन है। उन्होंने आगे कहा है कि रवि मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं का अनुमानित उत्पादन 161.30 लाख मिलियन टन है। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य में किसानों की पैदावार एक दाना खरीदने के लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फसल का उत्पादन 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों द्वारा पैदा किए गए एक एक दाने की निर्विघ्न और सुचारू खरीद को सुनिश्चित बनाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि किसान को उनकी फसल मंडियों में लाने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा और इस संबंधी एक उचित प्रणाली तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गेहूं की खरीद के लिए पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1908 नियमित खरीद केंद्रों को नोटिफाई किया गया है। उन्होंने बताया है कि एजेंसियों की खरीद वितरण और नजदीकी स्टोरेज पॉइंट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एजेंसियों को यह खरीद केंद्र अलॉट किए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि निर्विघ्न खरीद प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए जिलों द्वारा प्राप्त सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों और चावल मिलों को स्थायी यार्ड घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूची खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपडेट मीडिया के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।